खेल इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा है। हर शख्स को कोई ना कोई खेल पसंद होता है और मुझे कराटे पसंद है। इसकी पर्सनल वजह यह है कि मेरे मामू ब्लैक बेल्ट और नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और आपका भाई भी सिल्वर मेडलिस्ट रह चुका है। एक्सरसाइज पर जाना है तो सुबह सवेरे उठो, फिर फ्रेश हो जाओ और फिर निकल पड़ो। निकलने से पहले आकर कैमरे के सामने दो गुफ्तगु कर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आँखों सुनते कानों, आपको आलिया नरशद का सलाम पहुँचे। अभी मुझे जाना है बिलावल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हमारे कराटे की जो एक्सरसाइज है वो वहीं होती है, हम वहीं प्रैक्टिस करते हैं। और अभी तकरीबन ये टाइम हो गया है, लेकिन खैर कोई मसला नहीं है। और मेरे पाँव की जो हालत है वो कुछ ऐसी है, प्लास्टर बंधा हुआ है मुकम्मल। लेकिन एक्सरसाइज करना तो नहीं छोड़ सकते ना, वो तो मस्ट है। फिर अपने स्क्वाड को लो और निकल जाओ। जरूरी नहीं है, कर लो तो अच्छा है। सो वी आर इन लावल स्पॉट कॉम्प्लेक्स और सीन्स। सर हुज अच्छा, तो मैंने दोबारा से एक्सरसाइज अपनी इस वजह से स्टार्ट की कि आगे आ रहे हैं सिंध गेम्स, और सिंध गेम्स में तो जाना अपना बनता है, नहीं गए तो पैसे किस बात के। बताना तो ज़रूरी नहीं था, मैंने सोचा बता दूँ अच्छा रहेगा। मैंने ज़्यादा रनिंग नहीं की है, पैर में चोट है, इस वजह से मेरा कज़न हंजला बेचारा अकेला दौड़ रहा है। वो सामने। और जैसे कि मेरे व्लॉग का सवाल है, और इसमें 120 FPS ना हो ना तो मज़ा नहीं आना। सो द जोशो वलवला इज ऑन द टॉप, हमारा, हम सब का मुकम्मल प्रैक्टिसिंग हो रही है। लेकिन यार बस दुख इतना सा है, वही दुखड़े इतना सा है कि तकलीफ हो रही है यार पाँव में। हो जाएगी ये भी ख़त्म, कोई मसला नहीं है। तो भैया मैं आया था ज़रा बिलावल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं राव साहब। तो यहाँ कैमरा ज़रा नाराज़ सा हो गया था। राव साहब क्या हाल हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे हैं? और खैर मज़े में। अच्छा मुझे कुछ सवाल पूछने थे, वो ये थे कि ये आप हार्ड बॉल की जगह टैप बॉल क्यों खेल रहे हो? इसका रीज़न ये, एक तो मॉर्निंग टाइम है, ऊपर से हिट पावर हमें बैट्समैन की बनानी होती है ना। टैप बॉल से आई कॉन्टैक्ट भी बॉल का बहुत अच्छा होता है। अच्छा। और मॉर्निंग के टाइम पर अगर वो आई कॉन्टैक्ट सेट हो जाए तो पूरी डे में जो है वो आई कॉन्टैक्ट अच्छा रहता है, इसलिए टैप पे। और फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी के अंदर आती है, हिट करने की पावर आती है, हिट पावर बनती है, इस वजह से हार्ड बॉल की जगह इस वक्त टेप बॉल की प्रैक्टिस हो रही है। अच्छा, और इसके अलावा ये मॉर्निंग में प्रैक्टिस करने का क्या फ़ायदा है? ये मॉर्निंग में प्रैक्टिस करने का फ़ायदा ये, एक तो आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कितने भी टॉक्सिन होंगे आपके ब्लड के अंदर, वाइट सेल रेड सेल के अंदर, वो जो है वो फासिद हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और पसीने के ज़रिए वो आपसे अखराज कर जाते हैं बॉडी से। तो मॉर्निंग एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त जो विटामिन डी मिलता है अल्लाह की तरफ से 10:30 बजे तक, 9 बजे तक, गर्मी का क्राइटेरिया 8 बजे तक का है,
तो 8 बजे तक हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारी बोन, इट मीन्स मतलब मेरा क्या है, हमारी हड्डियाँ जो हैं वो मजबूत हों और हमारी हड्डियों में किसी चीज़ की कमी ना हो। तो मॉर्निंग की प्रैक्टिस इसीलिए ज़रूरी होती है। चलो अभी चलो जाफ़। हमारी आवाम में कुछ कहना चाहेंगे? सुबह टाइम पे आ जाना। अच्छा, कुछ कहकर चले जाओ, कल आ जाना। तो हमारे कराटे इंस्ट्रक्टर साहब को कैमरे से एलर्जी है, वो इस बात पर कि वीडियो इनको अच्छी नहीं लगती, और जहाँ तक फोटोज़ क्लिक करने का सवाल है तो पेश पेश रहते हैं माशाल्लाह। अल्लाह खुश रखे। खैर, सो अभी सिस्टम इज़ जस्ट के निकलना है घर की जानिब।